नमस्कार दोस्तों, वाई फाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं असलम खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कॉमर्स में कक्षा 12 के जो इस बार सेशन 2020-21 में शासन के आदेश के अनुसार 30% की जो कमी या कटौती की गई ड्यू टू कोरोना वायरस या ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस के नाते जो 30% सिलेबस काटा गया है, बाकी जो न्यू सिलेबस इस बार आपको 2017-20 और 21 में पढ़ना है कक्षा 12 वाले कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है, उससे 70% जो सिलेबस आपके बचे हुए 70% सिलेबस में इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको पार्टनरशिप पढ़ना है, जो कि इस यूनिट से ओवरऑल कुल मिलाकर आपको 20 मार्क्स का यहाँ से आपको नंबर मिलेगा, वो है आपका यूनिट फर्स्ट जो कि पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। इस पार्टनरशिप में बच्चों आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मींस साझेदार का परिचय हम लोग पढ़ेंगे इस पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है, क्या क्या उसको शर्त फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या रेशियो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद तीसरा जो इस यूनिट का तीसरा और अंतिम जो आपका चैप्टर होगा वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक साझेदार किसी भी कारणवश फर्म से जब अवकाश ग्रहण करता है, चाहे वह बीमारी के नाते या किसी प्रकार की विवाद के नाते या उसको इसमें रहना अच्छा नहीं लगता है, किसी भी चारों किसी भी वजह से वो फर्म में रहना उसको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे समय जब वो नया जब वो रिमेनिंग पार्टनर वर्सेस साझेदार फर्म को छोड़कर जाएगा तो उसका हिस्सा कैसे लिया जाएगा, कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों वो है दूसरे यूनिट, दूसरा जो यूनिट आपका है उसको हम लोग कंपनी अकाउंट के नाम से जानते हैं। इस यूनिट में आपको ओवरऑल कुल मिलाकर 15 नंबर आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। इसमें आपको शुरू में कुछ थ्योरी भी पूछी जा सकती है, जैसे कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, और ओवरऑल अगर इसके मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आपका जो पहला पार्ट होगा शेयर, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा शेयर क्या होता है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, शेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें बच्चे आपके समता अंश और पूर्वाधिकार, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ते हैं, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार के बारे में आपको यहाँ पर इस पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। देन उसी चैप्टर का ही पार्ट दूसरा आपका आएगा इशू ऑफ शेयर, हम लोग शेयर को पब्लिक को कैसे इशू करेंगे, कैसे जनता शेयर को खरीदेगी, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे उसका लेखांकन नियमानुसार कैसे उसको हम लोग अपने बुक में अपने रजिस्टर में जर्नल कैसे बनाएंगे। देन उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर उसी पार्ट में हम लोग यहाँ पर फॉर्फिचर ऑफ शेयर, जो कि अंशों को हम लोग जिससे बोलते हैं हरण, हरण वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब कोई अंशधारी किसी भी वजह से वह अपने द्वारा लिए गए अंशों पर कोई राशि भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसे समय कंपनी जब उसके अंशों को जब्त कर लेती है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंशों का हरण, या बच्चों से हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद कंपनी, क्योंकि कंपनी का नुकसान या हानि होती है, इस हानि से बचने के लिए वह कंपनी उस जो प्रॉफिट को शेयर को प्रॉफिट किया है उसी शेयर को जब दोबारा इशू कर देता है पब्लिक को या दूसरे व्यक्ति को, दूसरे शेयर होल्डर को, इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। ये आपका ओवरऑल यहाँ से हम बात करें तीनों जो आपका पार्ट है जो ये आपका टोटली न्यूमेरिकल का पार्ट है, इससे कुल मिलाकर आपको 15 नंबर यहाँ पर आपके मिलेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तीसरे यूनिट में आपका अगर डिवेंचर जो कि 15 नंबर जो कि 15 मार्क्स 15 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की ये डिवेंचर होता क्या है, आपको यहाँ डिवेंचर के बारे में पढ़ना होगा, डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर के आपको यहाँ पर प्रकार के बारे में पढ़ना होगा, कैसे हम लोग
शोधन करेंगे, सॉरी पत्रों को कैसे इशू करेंगे, ये आपको बिल्कुल शेयर की तरह नहीं रहेगा, वहां आप शेयर का इशू करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप डिवेंचर का इशू करेंगे। डिवेंचर ऋण का मतलब होता है जब एक व्यक्ति किसी कंपनी को जब कोई ऋण देता है कर्ज के रूप में, तो उस कंपनी द्वारा उस ऋण को लेने की एवज में एक पेपर तैयार करके उस व्यक्ति को दिया जाता है, उसी पेपर को हम लोग ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऋण पत्र में से ऋण को प्रमाणित करने वाला जो पत्र होगा उसी को हम लोग ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो एक पत्र का और पार्ट इसमें रहेगा, जिसको हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से जानते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि जो भी कंपनी ने पैसा लिया है कर्ज के रूप में, डिवेंचर के रूप में ऋण लिया है, उसका कैसे वापसी करेगा, मींस इसको हम लोग बोलते हैं शोधन, ऋण पत्रों का शोधन, कैसे कंपनी उस व्यक्ति के द्वारा लिए गए पैसे को कैसे वापसी करेगी, इस वापसी के बारे में आपको जनरल एंट्री समझाया जाएगा कि जनरल एंट्री में कैसे इसका ओवरऑल हम लोग करते हैं यहाँ पे, जबकि इस यूनिट थर्ड में इस यूनिट थर्ड से भी आपको कुल मिलाकर ओवरऑल 15 नंबर का मिलेगा। तो 20 नंबर, 15 नंबर और 15 नंबर होगा बच्चों, 15, 30, 20, 50 नंबर का आपका यहाँ से जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे तो चौथा आपका जो यूनिट होगा वो है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाता। बच्चों आप लोग कक्षा 11 में फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, लेकिन वह फाइनल अकाउंट इस फाइनल अकाउंट में आपको अंतर मिलेगा, वहां पर जो भी आपको फाइनल अकाउंट क्रेडिट प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट पढ़े थे उसका पुराने वर्जन, पुराने फॉर्मूले या पुराने जो सिद्धांत था उसके आधार पर आप इधर आपके डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट ये रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट 5 में, सॉरी यूनिट 4 में आपको जो फाइनल अकाउंट पढ़ना होगा वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो बनाए गए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट का जो स्पेसिफिक में जो कॉलम आपको दिए गए नियम के लिए बनाए गए उसके नियम के अनुसार आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इस फाइनल अकाउंट में बच्चों अगर आपको यहाँ पर आपको सिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, दूसरा हम यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है बच्चों ये भी आपको बताएंगे, तीसरा जो आपका पार्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे हम बनाएंगे बच्चों, ये तीनों जो आपका पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जरूरत पड़ने पर हम तीनों को एक साथ बनाते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब लाभ का उचित बंटवारा, सभी साझेदारों के बीच में लाभ को कैसे बांटेंगे आपको यहाँ पर इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत बनाना होगा। और फाइनली आपको इस यूनिट नंबर 4 में एक आपको लास्ट में पढ़ना होगा क्योंकि बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनी 2013 बच्चों, पहले ये कंपनी अधिनियम हुआ क्या था 1956 था, जो कि 2013 में अब बदल गया है, और इस कंपनी एक्ट को बच्चों 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में यही पूछा जाता है कि कंपनी अधिनियम 2000 कंपनी अधिनियम क्या चल रही है और ये कंपनी अधिनियम कब से लागू किया गया, बच्चों नया कंपनी अधिनियम 2013 से लागू किया गया है जो कि 1956 को समाप्त करके 2013 बनाया गया है और ये 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया है। इसके बाद बात करें बच्चों यूनिट नंबर 5 जो कि आपका है डेप्रिसिएशन से संबंधित है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड प्रॉपर्टी को कंटिन्यू यूज करने के कारण, किसी भी अस्थायी संपत्ति को लगातार यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं बच्चों ह्रास बोलते हैं, ह्रास कहता है। यहाँ से भी बच्चों आपको मिला के 15 नंबर के आपके थ्योरी और विकल्प मिला के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पहले पढ़ना होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन के बारे में के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं बच्चों, इसका क्या क्या मेथड है, मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्टिंग मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्टिंग मेथड मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस मेथड के द्वारा हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 6 जो कि अंतिम आपका यूनिट है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से बच्चों भी आपका 15 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जिनका मकसद जो होता है वो सेवा प्रदान करना होता है, ये लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है। जैसे हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ट्रस्ट हो गया, जिम हो गया, ये सब जो हमारे संगठन है ये का उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। ये लोग भी
ये लोग भी अपने व्यवसाय से होने वाले लाभ अथवा हानि को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बच्चों ये रिसीप्ट और पेमेंट एक लेजर होता है, रिसीप्ट और पेमेंट वो बनाकर ये देखते हैं कि हमें कितना पैसा मिला, हमने कितना पेमेंट किया। इसके बाद ये लोग एक और लेजर तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको हम हिंदी बोलते हैं आय और व्यय, इसको बोलते हैं लाभ प्राप्ति खाता, इसको बोलते हैं आय और व्यय खाता। ये वास्तव में देखा जाए बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है वहाँ आपकी जो होती कंपनी है वो प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होती है इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसलिए बच्चों ये लोग इनकम और एक्सपेंडिचर का लेजर तैयार करते हैं। इसके बाद आपको ओवरऑल आपको इनका इन जो गैर व्यापारिक संगठन है इनका एक अपडेटेड बैलेंस जो नया चिट्ठा बना है उस चिट्ठे को यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं। जो इस बार आपका सेशन 2020-21 में ड्यू टू कोरोना वायरस के नाते जो आपका 30% सिलेबस काटे गए हैं, ये अभी तक पढ़ाया जा रहा था लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है समय का अभाव है, पठन पाठन लेट से स्टार्ट होने के नाते शासन ने इसको 30% जो इस बार आपका 30% आपके सिलेबस में बच्चों कटौती की गई उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चों ये आपका है विद आवर पार्टनर, ये वास्तव अगर बात करेंगे इसी का एक अलग पार्ट था बच्चों, इसी का एक अलग पार्ट था जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर कोई पार्टनर इनफर्मली किसी वजह से कट दे जाता है, कैजुअली हो जाए, नेचुरली किसी वजह से दे जाता था उसका ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन बच्चों ये आपका सिलेबस कट हो चुका है, ये सिलेबस बच्चों आपका कट होकर निकल गया है। दूसरा अगर हम बात करेंगे साझेदारी फर्म का जो बिगटर रहता है जिसको बोलते हैं साझेदारी फर्म बंद हो रही है, जितने भी पार्टनर थे सभी का हिसाब किया जाएगा, जितने उसकी लायबिलिटीज होंगे सबको पे किया जाएगा, कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे उसका उसको रियलाइज करके उसको रिसेल करेंगे, नीलामी करके उसको बेचेंगे और जितने भी साझेदार होंगे जितने दायित्व होंगे उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे हम सब आप प्रेफरेंस शेयर, बच्चों प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होता है जो कंपनी के द्वारा जो भी लाभ होता है सबसे पहले एक प्रकार के अधिकार जो कहा लाभ दिया जाता था, ये भी रिटर्न सब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन बच्चों ये भी आपका टॉपिक टोटली इधर काट दिया गया है। इसके बाद बच्चों बात करेंगे तो एक होता विनियोग खाता, विनियोग का मतलब था जब एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी कोई धंधा किसी दूसरी कंपनी में लगाता था, इसको हम लोग बोलते थे विनियोग। विनियोग ये जो आपका टॉपिक था बच्चों ये आपका विनियोग भी कर चुका है 30% में। इसके बाद बच्चों ये आपका रिस्क एनालिसिस को हम बोलते हैं अनुपात विश्लेषण, इससे हमें ये मालूम चलता था कि ओनर के द्वारा क्या किस रेशियो में पैसा लगाया गया, उसका क्या अनुपात था, चालू अनुपात क्या था, सकल अनुपात क्या था, स्वामित्व अनुपात क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन ये इस बार कोरोना वायरस के नाते आपका 30% सिलेबस काट दिया गया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए कि आपको पूरा यही चीज बीकॉम आप थर्ड ईयर में जब जाओगे तो एक आपको बुक मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंट के नाम से बुक मिलेगा, उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा, वो है रेशियो एनालिसिस आपको बहुत पढ़ना होगा। इसके बाद बच्चों एक कॉस्ट अकाउंटिंग देखा जाए, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर ट्वेल्थ कॉमर्स से बहुत छोटे स्तर पर थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया था, ब्रीफ में जानकारी के लिए आपको बीकॉम में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर आप जैसे ही बीकॉम सेकंड ईयर में जाएंगे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से बच्चों एक पेपर भी आपको मिलेगा, उस कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पूरा अध्ययन करना होगा। तो बच्चों ये 30% सिलेबस थे इस बार आपके आपके यूपी बोर्ड में 30% सिलेबस कट दे गए, बाकी जो ये सिलेबस आपके मैंने बताया आपको इस बार आपको सक्सेशन 2020-21 में बच्चों यही आपको पढ़ना है। तो आज बच्चों कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, जय अगला वीडियो आपका जैसे ही हमारा स्टार्ट हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे ही मैं वीडियो को लोड करूँ आपका इसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। ओके थैंक यू।